दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित हैं, वो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, सर ये दवाई कब तक लेनी है, क्या मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, क्या आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं परमानेंट ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और इसी आंसर के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि ये बहुत लंबा आंसर हो जाता है समझाना कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है ट्रीटमेंट से, हमारी पावर क्या है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में या इंग्लिश ट्रीटमेंट में, और हम किस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है इस बीमारी के लिए। ये सब कुछ इस वीडियो में आज हम क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बात की है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि एक तो है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें हमारा ऑर्गन बिल्कुल ठीक है, तो या तो दिमाग से कोई ना कोई फैंटेसी की कमी है, या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, या घबराहट आती है इस काम के आसपास या इस सोच के आसपास, या बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ चुके हैं एक तो फेलियर्स की वजह से कि अब डर लगता है कि अगर हम कुछ ट्राई भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और फिर पार्टनर क्या सोचेगा, एक एम्बैरेसमेंट जुड़ गई है, अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी हो गई है, यानी कि अब हम अंगूर नहीं खाते तो हम कहते हैं खट्टे हैं, तो हम उसके बारे में सोचना ही बंद कर चुके हैं। इन सब कारणों को जो दिमाग से संबंधित है, इनको हम साइकोजेनिक यानी कि जिनकी उत्पन्न या फिर जिनके अंदर जन्म जो है वो दिमाग से हो रहा है, उनको साइकोजेनिक कहा जाता है। साइकोलॉजिकल नहीं है ये साइकोजेनिक है। साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि सिर्फ दिमाग के वहम से है। तो बहुत सारे मरीज कहते हैं नहीं नहीं सर, मुझे पता है मुझे दिमाग का वहम नहीं है, तो मैं भी साइकोलॉजिकल नहीं कहता इसको, मैं इसको साइकोजेनिक कह रहा हूँ, यानी इसका उत्पन्न जो है वो दिमाग से हुआ है, इस थॉट का कि कुछ गड़बड़ है। इन सब डोमेन्स को हम कह सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, और इसमें पर्टिकुलर अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोजेनिक है तो इस पार्ट को हम एक अलग करके रखेंगे, और दूसरा पार्ट होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कि कोई रियल बीमारी है, लिंग में बीमारी है, आर्टरीज में बीमारी है, जो लिंग का स्पॉन्ज है जिसमें ब्लड भरता है उसमें बीमारी है, या जो वेन्स हैं जो कि ब्लड को वापस ले जाती हैं वो स्टिफ हो गई हैं, वो बंद नहीं हो पाती, वो ब्लड को लीक करती रहती हैं, या हमारी नसों में कोई ऑर्गेनिक बीमारी है यानी कोई डिजीज़ है, जैसे शुगर हो सकती है, या कोई चोट लग गई है एक्चुअल में वहाँ पे, तो इसको हम ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इलाज कितना लेना होगा इस पर डिपेंड करता है कि साइकोजेनिक है कि ऑर्गेनिक है। अगर ये बीमारी साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी दिमाग में एक थॉट था जो आ गया और फिर वो बढ़ता चला गया, तो फिर तो ट्रीटमेंट आसान है। अगर हम दिमाग को समझा लें, दवाइयाँ दे दें, कुछ दवाइयों से इरेक्शन को अच्छा कर दें, और आप फिर बहुत बार ट्राई करें और आपको लगे कि हाँ इरेक्शन अच्छा आ रहा है, तो दिमाग इस बात को भूल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें कब तक दवाई लेनी होगी, तो मैं कहूँगा कि कुछ हफ्तों दवाई लेनी हो सकती है, महीनों में दवाई लेनी हो सकती है, जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता अपने अंदर से, हाँ कि अब मैं अच्छे से सेक्स कर पाता हूँ, और फिर हम दवाइयों को धीरे 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 करके कम कर देते हैं, और कम करने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप कोई दवाई ले रहे हैं, थोड़ी बहुत विटामिन वगैरह, पर इरेक्शन से संबंधित दवाइयाँ नहीं हैं ये, और फिर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम अब हमारी क्योर हो गई है, अब हम आगे बढ़ गए हैं इसे। बहुत सारे यंग पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने एक दो बार कहीं ट्राई किया, या कोई ऐसा इनकाउंटर रहा जिसमें वो कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं कर पाए, असफल रहे, मन में बात बैठ गई, तब इसको हम साइकोजेनिक ईडी भी कह देते हैं, और ऐसे में ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, यानी एक दो बार ही दवाई लेने आएंगे पेशेंट, उसके बाद वो आएंगे नहीं, वो कभी आगे मिलेंगे किसी और बीमारी के लिए, पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो, पथरी हो, कुछ और हो, तब वो बताएंगे सर वो तो दवाई आपने दी थी मैं ठीक हो गया, उसके बाद सर फिर कभी दिक्कत नहीं आई। दूसरे मरीज ऐसे हैं जिनको सच में कोई बीमारी है, यानी या तो उनके खून की धमनियों में सिकुड़न आ गई है, उसमें कोई लिपिड जमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, या वो सिकुड़ गई हैं, जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कह देते हैं, या स्पॉन्ज जो है उसके अंदर इस्कीमिया हो गया है, या उसमें फाइब्रोसिस हो गया है, वो ख़राब हो गया है, या जेनेटिकली उसके जो मसल्स थे, जो स्पॉन्ज जिसकी वजह से बढ़ता है कम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, या वेन स्टिफ हो गई हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक ईडी कहते हैं। और इसमें भी जो अर्ली ऑर्गेनिक ईडी है, यानी कि अगर शुरुआती कोई बदलाव हैं हमारी नसों में, तो उनको हम रेगुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा के, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट लेके, कीगल एक्सरसाइज करके, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो चेंजेस लाइफस्टाइल में हम कर सकते हैं उनको करके हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि कुछ हफ्तों या महीनों दवाई लेने के बाद धीरे धीरे करके दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऐसे ही बहुत बार एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज के ज़रिए, जैसे कि PRP थेरेपी के ज़रिए, या फिर शॉक वेव के ज़रिए, अगर बहुत इनिशियल ये कमी है तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होते होते दवाइयाँ छूट जाती हैं। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये बीमारी काफ़ी समय से चल रही है, पहले नेग्लेक्ट कर दिया, ये डर के मारे शुरू नहीं किया शायद कि अगर दवाई लेंगे तो इनकी आदत पड़ जाएगी, या अभी से दवाई खा रहा हूँ अभी मेरी उम्र क्या है, या दवाई का बहुत साइड इफ़ेक्ट होगा, और कई लोगों को होता भी है,
तो डिपेंडिंग ऑन दैट कई बार पेशेंट्स जो हैं वो दवाई को नहीं ले पा रहे होते हैं या डिले करते जाते हैं कि चलो अभी देखते हैं, अभी कुछ ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, किसी दोस्त ने कुछ बता दिया वो करके देखते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाती है। जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, शायद वो लिपिड वहाँ जमा हुआ, आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हुआ, और फिर वो स्पॉन्ज जो है उसमें ब्लड ना मिलने की वजह से वो स्पॉन्ज जो है धीरे धीरे सड़ने लग गया, ख़राब होने लग गया, या पीनिस में रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी ना होने की वजह से वो पीनिस का टिश्यू जो फाइब्रोस होने लग गया, या कोई चोट लगने की वजह से वहाँ दिक्कत आ गई और वो फाइब्रोसिस बढ़ता चला गया, या वेन्स जो है उनमें स्टिफनेस आने लग गई, जो भी इसका कारण है अगर वो बढ़ता चला जाए तो फिर दोस्तों ये वैसी ही बीमारी हो जाती है जैसे कि बाकी एंडोथेलियल डिसफंक्शन होते हैं, यानी कि शुगर की बीमारी एक एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, या हार्ट की प्रॉब्लम अगर हम किसी को कहें, या रक्तचाप किसी को कहें कि हाइपरटेंसिव रहते हैं वो, या कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली एंडोथेलियल डिसफंक्शन से शुरू होती हैं। इवन दिमाग में स्ट्रोक जो आता है, लकवा आता है, वो भी एक एंडोथेलियल डिसफंक्शन का ही वैरायटी है। तो फिर हम इसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन कह देते हैं, यानी कि अब कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो आर्टरीज की लाइनिंग है, जो हमारे साइनसॉइड्स की लाइनिंग है, इसमें परमानेंट बदलाव आ चुके हैं, ये ख़राब हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों दवाइयाँ फिर जो हैं वो बहुत लंबे समय खानी पड़ती हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे शुगर के पेशेंट खाते हैं या बीपी के पेशेंट्स खाते हैं, वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का रूप ले लेती है, और जब ये ऐसा रूप ले लेती है तो फिर आपको दवाई के सहारे ही आगे चलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट चाहे कि सर इसको परमानेंटली ठीक कर दीजिए या इसका कोई और इलाज कर दीजिए, हम दवाई नहीं खा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो फिर हम और मेडालिटीज़ पे जाते हैं जैसे कि पिनाइल इम्प्लांट्स हो गए, या अगर आप बहुत एजड हैं कभी कभार सेक्स करना चाहते हैं तो इंट्राकेवनोस इंजेक्शन लगा लिया आपने, या बहुत हाई डोज में कुछ दवाई खा के अपना काम चला लिया, या कभी कभी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया, फिर हम इन सब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो जो ज़्यादातर पेशेंट जो है सवाल पूछते हैं कि सर कब तक ठीक होगा, उनका जवाब यह है कि अगर आप टाइम से आ गए हैं, अगर आपको साइकोजेनिक ईडी है जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, कोई मन में बात बहुत डीप नहीं बैठ गई है, तो कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों की दवाई के बाद ये ठीक हो जाएगी। इसमें हम दवाई एकदम से नहीं छोड़ेंगे, पहले दवाई को एक पीक तक लेके जाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम असर आए, और फिर धीरे धीरे करके दवाई को कम किया जाएगा, एक एक करके दवाई को हटाया जाएगा ताकि आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ अब आप ठीक हैं, और दवाइयाँ धीरे धीरे एक बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है या तो ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिसमें टाइम से हमने एक्शन नहीं लिया है, या एंडोथेलियल डिसफंक्शन है यानी कि आपकी जेनेटिक कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से आपका स्पॉन्ज या आर्टरीज ख़राब हो रही हैं, या कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई हैं कि अब उन्होंने नुकसान कर दिया है सीधे ही पिनाइल ऑर्गन पे, तब हमें दवाइयाँ तो स्टार्ट करनी होती है, ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करना होता है, फिर उनको डोज कम कर दिया जाता है ताकि वो एक मेंटेनेंस मोड में आ जाए, बट कई बार सालों साल या ता उम्र भी ये दवाइयाँ चल सकती हैं। इसीलिए मेरा मैसेज सभी ऑडियंस को ये है, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हुआ है तो रात दिन के आप समय ख़राब करें, इधर उधर दिखाएं, आप सबसे पहले एक क्वालिफाइड पर्सन से मिलें जो कि इसके बारे में प्रशिक्षित हैं, जिनके पास सही डिग्री है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और फिर इसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपने समय इसमें वेस्ट किया तो ऐसा होगा कि अल्टीमेटली ये क्रॉनिक फॉर्म ले लेगी, यानी कि फिर साइकोजेनिक ऑर्गेनिक का जो भेदभाव है वो नहीं रहेगा, फिर ये क्रॉनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बन जाएगा और एंडोथेलियल डिसफंक्शन बन जाएगा, और फिर आपको जो दवाइयाँ हैं वो ताउम्र लेनी पड़ सकती हैं, या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लांट या कोई और इलाज आपको ढूंढना पड़ सकता है।